हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ छोटी छोटी स्टोरीज़ पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारे नई वर्ड सीखते हैं अपनी वोकैबरी को इम्प्रूव करते हैं साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सो येस आज हमारा टॉपिक होने वाला है पावर्स ऑफ म्यूजिक के ऊपर और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देख लेंगे हमें वो प्रेजेंट टेंस की मिलेंगे और कुछ सेंटेंस जो है इसके अंदर फ्यूचर टेंस के भी हो सकते हैं हैज़ और हैप का यूज़ भी देखेंगे और कुछ जो है भी रहेंगे स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर म्यूजिक हैज ग्रेट क्वालिटीज ऑफ हीलिंग अ पर्सन इमोशनली एंड मेंटली म्यूजिक यानी कि संगीत हैज़ मीन्स जब कोई चीज़ कहते हैं ना कि इसके पास कोई चीज़ है या इसमें कोई चीज़ है तब हम हैज़ का यूज करते हैं ग्रेट क्वालिटीज ग्रेट यानी कि महान क्वालिटीज यानी कि गुण और ग्रेट का मतलब बड़ा गुण भी कहते हैं ना कि बड़े गुण हैं उसके अंदर तो ग्रेट क्वालिटीज है उसके अंदर बड़े गुण हैं तो ऐसे संगीत के अंदर बड़े गुण हैं ऑफ हीलिंग यानी कि ठीक करने के अ पर्सन एक व्यक्ति को इमोशनली एंड मेंटली भावनात्मक रूप से और मेंटली यानी कि मानसिक रूप से तो संगीत के अंदर जो है बड़े गुण हैं एक व्यक्ति को या एक पर्सन को भावनात्मक और मानसिक रूप से ठीक करने के लिए म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन म्यूजिक यानी कि संगीत इज मीन्स है ठीक है फॉर्म का मतलब होता है एक रूप होना ऑफ मेडिटेशन मेडिटेशन का मतलब क्या होता है ध्यान लगाना ठीक है तो संगीत जो है ध्यान लगाने का एक रूप है या ध्यान करने का एक रूप है दोनों ही आप इसको सिंपली बोल सकते हैं व्हाइल कंपोजिंग और लिसनिंग म्यूजिक वंस TENDS टू फॉरगेट ऑल हिज वरीज सोरोजेस एंड पेन व्हाइल कंपोजिंग व्हाइल का मतलब होता है जबकि बट वाइल का मतलब जिस समय भी होता है ठीक है जिस समय कंपोजिंग यानी कि रचना करना जब कोई रचना कर रहा होता है या रचना करते समय ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि कोई म्यूजिक बना रहा है कोई धुन बना रहा है जैसे नॉर्मली हम लोग ऐसे कुछ करने जाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिंग करना तो जब कोई कंपोज कर रहा है यानी कि रचना कर रहा है या फिर वो सुन रहा है और या लिसनिंग म्यूजिक या वो संगीत सुन रहा है वंस यानी कि कोई व्यक्ति टेंट्स उसको आदत हो जाती है टू forget ऑल हीज वरीज उसको अपनी सभी चिंताएँ वरी यानी कि सभी जो उसकी चिंताएँ है होती हैं उसको भूल जाने की आदत होती है सोरो जो भी उसके दुख होते हैं उनको एंड pains और जो भी उसके दर्द होते हैं तो जब वो म्यूजिक को संगीत को सुन रहा है या उसकी रचना कर रहा होता है तो व्यक्ति को उसकी चिंता दुख और पेन भूल जाने की आदत होती है बट लेकिन इन ऑर्डर टू अप्रीशिएट गुड म्यूजिक लेकिन इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट ऑर्डर टू अप्रिशिएट का मतलब क्या हो गया ऑर्डर टू का मतलब हो गया क्रम में अप्रिशिएट यानी कि सराहना करने के क्रम में गुड म्यूजिक गुड म्यूज़िक अच्छे संगीत की सराहना करने के क्रम में लेकिन बट लेकिन अच्छे संगीत की सराहना करने के क्रम में वी वुड टू कल्टिवेट आवर म्यूजिकल टेस्ट वी हमें ग्रो करना चाहिए यानी कि हमें बढ़ाना चाहिए टू कल्टिवेट यानी कि विकसित करना चाहिए आवर म्यूजिकल टेस्ट हमारा जो म्यूजिक का जो हमारा संगीत का जो टेस्ट है जो संगीत का जो स्वाद है स्वाद है उसको विकसित करना चाहिए इट कैन बी सिटेड दैट इन ए द्वापर युग यानी कि ये हो सकता है हो सकता है क्यों बोला क्योंकि कैन के साथ में बी का यूज रहा है तो ये हो सकता है सिटी डीज का वर्ण वर्णन किया जा सकता है दैट जो कि इन द्वापर युग जो कि द्वापर द्वापर युग में हुआ था द गोपीज वुड गेट मैसमराइज जो गोपियाँ होती थी कृष्ण जी की जो कॉपियाँ होती थी वुड गेट मेसमराइज वो मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी विद द म्यूजिक संगीत के साथ दैट फ्लोड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णाज फ्लूट दैट फ्लोड जो बहता था फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण के फ्लूट यानी कि उनकी जो बांसुरी थी उनसे जो संगीत बहता था उससे वो मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी सिंपली दे वुड सरेंडर देम सेल्फ टू हिम दे वुड वो किया करती थी ऐसा हम बोलेंगे ठीक है सरेंडर यानी कि वो अपने आप को सौंप दिया करती थी डेम सेल्फ यानी कि अपने आप को वो सौंप दिया करती थी टू हिम टू हिम यानी कि उन्हें या फिर उसे दोनों आप बोल सकते हैं उन्हें भी और उसे भी तो वो उसे या उन्हें अपने आप को डेम सेल्फ अपने आप को सरेंडर कर देती थी यानी कि सौंप दिया करती थी ऑल्सो साथ ही द रिसर्च हैज़ प्रूव्ड जो रिसर्च थी जो खोजें हुई थी जो भी खोज हुई थी उन्होंने प्रूव्ड किया है यानी कि उन्होंने ये चीज़ साबित की है साबित की है क्यों बोला क्योंकि हैज़ प्रूवड है यहाँ पे ठीक है हैड प्रूव रहता है यानी कि साबित किया था बट हैज़ प्रूव्ड हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म यानी कि साबित किया है दैट की द प्लांट्स जो प्लांट्स होते हैं जो पौधे होते हैं विच हीयर जो सुनते हैं द म्यूजिक ग्रोज जो म्यूजिक बढ़ रहा होता है जो म्यूजिक जब वो चल रहा होता है जब वो पौधे जो है वो सुनते हैं ग्रोज एज फास्टर एज रेट इन कंपेरिजन टू द अदर जो जो पौधे जो है जो संगीत सुन रहे होते हैं वो पौधे भी बहुत तेजी से एज फास्टर वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स जो दूसरे पौधे होते हैं उनकी कंपेरिजन में उनकी तुलना में जो पौधे म्यूजिक सुन रहे होते हैं वो भी तेजी से बढ़ते हैं ऐसा किसी रिसर्च के अंदर Uh, साबित हुआ है ठीक है तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है तुलना करना किसी भी चीज से कि इसके बदले में ये वाली चीज बहुत अच्छी हो रही है या मैं इस पेपर के बदले ये वाला पेपर बहुत अच्छा कर दिया यून इसके कंपेरिजन में ये वाली चीज कंपैरिजन का मतलब क्या गया तुलना करना ठीक है इट हैज द पावर टू क्योर डिजीज इट हैज उसमें है उसमें है क्यों बोला पावर उसमें शक्ति है टू क्योर डिजीज क्योर यानी कि ठीक करने की या फिर इलाज करने की इलाज भी आप बोल सकते हैं इसमें बीमारी को ठीक करने की आ, पावर है शक्ति है सच एज जैसे कि सच एज का मतलब क्या है जैसे कि एनजायटी यानी कि चिंता को डिप्रेशन यानी कि अवसाद को और इंसोमिनिया इंसोमिनिया का मतलब होता है अनिद्रा जैसे कुछ लोगों को नींद कम आती है तो उसमें आ, इसके अंदर जो है

किया जा सकता है कैन बी टेस्टिफाइड यानी कि उसको साक्षी किया जा सकता है बाय द लेजेंड्स लेजेंड्स के द्वारा अबाउट तानसेन अबाउट यानी कि तानसेन के बारे में जिन्होंने ऑफ हिज ब्रिंगिंग जिन्होंने जो लाए थे हिज ब्रिंगिंग यानी कि जो लाए थे द रेन जो बारिश को लेकर के आए थे या वर्षा को लेकर के आए थे बाय सिंगिंग राग मेघ मल्हार सिंगी यानी कि गाकर राग मेघ मल्हार गाकर जो बारिश को लेके आए थे और जिन्होंने लाइट जलाई थी दी, आ, रागा दीपक ने राग दीपक जला करके उन्होंने लाइट जलाई थी इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द कॉन्सेंट्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इट ऑल्सो ये साथ ही हेल्प की मदद करता है इन इम्प्रूविंग सुधार करने में कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एकाग्रता को सुधार करने में भी ये मदद करता है एंड इज दस ऑफ़ ग्रेट हेल्प टू द स्टूडेंट्स और इसी प्रकार ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भी बड़ी हेल्प करता है बड़ी मदद करता है आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा कैसा लगा है प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा थोड़े थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ क्योंकि हमें हर तरह की टॉपिक्स आनी जरूरी है कि कोई भी टॉपिक अगर हमारे एग्जाम में आता है या फिर कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ के बारे में हमें बोलना है स्कूल के अंदर कोई वर्ड दे दिया जाता है कि इसके बारे में कुछ लाइंस बोलो तो अगर हम उन चीज़ों को सीखते रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आज के थ्री वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है कमेंट बॉक्स में लिखना है कोशिश पूरी कीजिएगा करने की फ़र्स्ट है मेसमराइज यानी कि मंत्रमुग्ध होना सेकेंड है कल्टिवेट यानी कि विकसित करना एंड थर्ड है अप्रिशिएट यानी कि सराहना करना इन तीनों वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है आज के थ्री वर्ड हैं डिक्टेशन के फर्स्ट है सोरो सोरो एंड सेकेंड है सरेंडर और थर्ड है एन्जाइटी सोरो सरेंडर एंड एनजाइटी इन तीनों वर्ड्स से भी आपको डिक्टेन के रूप में लिखना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर आई होप ये वीडियो आपके लिए पास हेल्प की हेल्पफुल रही होगी अगर रही है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग